गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज अपने पढ़ेंगे लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग जो है हमारे एग्जाम के अंदर जो है कम से कम 5 से 6 नंबर का क्वेश्चन जो है इसका आता है, तो इसके क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले ये जरूरी है कि ये क्या होता है, इसके काइंड्स कितने होते हैं, कैसे इसको पहचाना जाता है। अगर ये सब चीज़ें हमें पता होगी तो हम एग्ज़ाम में इसको जो है आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। और ये ऐसा टॉपिक है जो हमें एग्ज़ाम में पूरे नंबर दिलवा सकता है, ठीक है। तो बस कुछ बातों का ध्यान रख करके हमें इसको लिखना है, और वो बातें कौन सी है वो आपको समझना है। देखो, हमारे पास जो लेटर जो होता है वो क्या होता है, ठीक है। लेटर यानी कि हिंदी में पत्र व्यवहार। हम जो है सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए या कुछ एक दूसरे से बातचीत करने के लिए पहले से जो है ये लेटर जो है वो चल रहा है, ठीक है। एक दूसरे को बिजनेस के अंदर भी इसके अंदर यूज किया जाता है, तो ये होता है पत्र व्यवहार, ठीक है। लेटर जो होता है वो हमारे पास दो तरीके का होता है, एक आता है फॉर्मल और दूसरा आता है इनफॉर्मल, ठीक है। फर्स्ट ऑफ फॉर्मल लेटर, सेकंड इनफॉर्मल लेटर, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस बात को समझना है कि कौन सा लेटर फॉर्मल होता है और कौन सा इनफॉर्मल होता है, ठीक है। तो इसके लिए फॉर्मल लेटर वो होगा, सबसे पहले मैं आपको फॉर्मल लेटर के बारे में बताता हूं। फॉर्मल लेटर कौन सा होगा, जैसे हम स्कूल में हैं, क्लास में हैं, हम क्लास टीचर को कोई एप्लीकेशन भेज रहे हैं, कोई लेटर लिख रहे हैं, प्रिंसिपल को लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये सब यानी कि जो भी ऑफिशियल लेटर हम लिखते हैं, किसी कार्यालय के लिए हम लिखते हैं या बिजनेस के लिए अपने लिखते हैं, तो ये सभी क्या होते हैं, फॉर्मल लेटर होते हैं। यानी कि इनके अंदर क्या होता है, हमें फॉर्मेलिटी की आवश्यकता होती है, औपचारिकता की आवश्यकता होती है, औपचारिक लेटर इनको हिंदी में बोला जाता है, ठीक है। दूसरी तरफ होता है इनफॉर्मल लेटर, ठीक है, जो हमारे सगे संबंधियों, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स को लिखा जाता है, वो होता है इनफॉर्मल लेटर, यानी हिंदी में जिसको कहते हैं अनौपचारिक पत्र, ठीक है। देखो, सबसे पहले इन दोनों चीजों को समझना जरूरी है। अगर हमने इन दोनों को समझ लिया कि ये फॉर्मल क्या होता है, इनफॉर्मल क्या होता है, तो हमारा आधे से ज्यादा काम उसके अंदर हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इस चीज को नहीं समझ पाएंगे तो क्या होगा, हमारा क्वेश्चन जो है वो गलत होने की संभावना रहेगी, ठीक है। ये फॉर्मल लेटर होगा, ये हमें पता चल गया कि ये फॉर्मल लेटर है, तो उसके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम उसको लिखेंगे। अगर इनफॉर्मल लेटर है तो इसके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग लिखेंगे, ठीक है। इन दोनों के अंदर डिफरेंस होता है स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है। ये हम तभी कर पाएंगे जब हमें पता होगा कि फॉर्मल लेटर कौन सा और इनफॉर्मल लेटर कौन सा। जैसे मैंने आपको कहा कि आपके स्कूल के आसपास जो है गलियों के अंदर बहुत ज़्यादा गंदगी रहती है, अगर आप उसको साफ सफाई के लिए नगर पालिका को कोई लेटर लिख रहे हो, ठीक है, तो वो कौन सा लेटर होगा, फॉर्मल लेटर होगा, ठीक है। तो उसको फॉर्मल स्ट्रक्चर से अपने लिखेंगे, ठीक है। आपको जो है स्कूल के अंदर एक्स्ट्रा क्लास लगानी है, ठीक है, प्रिंसिपल को आप एप्लीकेशन दे रहे हो, एप्लीकेशन भी एक फॉर्मल लेटर की श्रेणी में ही आता है, तो ये कौन सा आएगा, फॉर्मल लेटर होगा, ठीक है। दूसरी तरफ क्या है कि इनफॉर्मल लेटर की बात करें भी, आप जो है अपने दोस्त को जो है, अपने फ्रेंड को जो है एक पत्र लिख रहे हो, एक लेटर लिख रहे हो कि उसने क्या किया है, एग्जाम में सफलता प्राप्त की है, सक्सेस प्राप्त की है, उसको कॉन्ग्रेचुलेशन करते हुए आपने जो लेटर लिखा है वो कौन सा लेटर आएगा, वो इनफॉर्मल लेटर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इन दोनों चीज़ों को समझना है, फिर आपको जो है क्वेश्चन करना है, जिससे आपको वो आसानी हो जाएगी, ठीक है। अब अपने क्या करेंगे, फॉर्मल लेटर का और इनफॉर्मल लेटर को लिखने का स्ट्रक्चर क्या होता, अगर हमें स्ट्रक्चर पता होगा तो दूसरा स्टेप हमारा स्ट्रक्चर है, अगर उसको हमें पता है तो उसे हम लिख करके कोई भी लेटर उसके अंदर लिख सकते हैं आसानी से। तो सबसे पहले हमें इसे रटने की आवश्यकता नहीं है, सबसे पहले इसको समझ के हमें करना है, ठीक है। अगर हमने रटेंगे तो वो एट ए टाइम हम कन्फ्यूज हो जाएंगे कि हमें ये कैसे करना है, लेकिन अगर अपने समझ करके उस चीज को करेंगे तो वो गलत नहीं होगा, ठीक है। अब अपने जो है यहाँ पे आज
फॉर्मल लेटर का स्ट्रक्चर लिखते हैं कि फॉर्मल लेटर का स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, देखो हमारे पास फॉर्मल लेटर का स्ट्रक्चर लिखने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना है। दोनों लेटर्स के लिए रहेगा, जैसे ये हमारे नोटबुक का जो पेज है उसकी साइड के अंदर ये लाइनिंग है, आपको क्या ध्यान रखना है? सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना है कि आप जो भी लेटर स्टार्ट करोगे इस लाइन से इधर नहीं लेके जाना, पहली बात। ठीक है, दूसरी बात, अगर आपने यहां से लेटर लिखना स्टार्ट किया है तो आपका लास्ट तक इक्वल आना चाहिए, एक जैसा आना चाहिए। ठीक है, ऐसे नहीं है कि आप यहां से लिख रहे हो, दूसरा आपने यहां लिखा, तीसरा आप यहां लिख रहे हो, तो ये क्या होगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, आपको क्या करना है, बिल्कुल इक्वल इसको लिखना है। ठीक है, तो इसी तरीके से अपने इसको लिखना स्टार्ट करेंगे। मैं स्ट्रक्चर आपको बताता हूं किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। देखो सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है, एड्रेस लिखना होता है। सबसे पहले क्या लिखना होता है, एड्रेस लिखना होता है। ठीक है, जब हम कोई भी लेटर लिखते हैं तो हमारे पास एड्रेस कितने होते हैं, दो एड्रेस होते हैं। ठीक है, एक होता है सेंडर का एड्रेस और दूसरा होता है रिसीवर का, यानी एक जो पत्र को लिख रहा है और दूसरा जो उसको प्राप्त कर रहा है, जो उसे रिसीव कर रहा है। ठीक है, तो हमारे पास दो एड्रेस होते हैं। ठीक है, तो अब इस बात का हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन से लेटर के अंदर दोनों एड्रेस लिखे जाएंगे और कौन से में एक लिखा जाएगा। ठीक है, तो दूसरी बात हमें जो ध्यान रखनी है कि कोई भी लेटर होगा, चाहे वो फॉर्मल होगा चाहे इनफॉर्मल होगा, दोनों के अंदर सबसे पहले जो एड्रेस लिखा जाता है वो राइटर का लिखा जाता है, यानी जो लेटर को लिखने वाला है वो अपना एड्रेस सबसे पहले लिखता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है, जो फॉर्मल लेटर होता है यानी इसमें फॉर्मेलिटी की आवश्यकता पड़ती है ज्यादा, तो इसको अपने इस तरीके से याद करते हैं कि इसके अंदर जो है दोनों एड्रेस जो है लिखे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले जो एड्रेस लिखा जाएगा वो मैंने अभी आपको बताया, कौन लिखेगा, अपना एड्रेस लिखेगा जो लेटर को लिखने वाला है, जो सेंडर है इसका एड्रेस लिखेगा, खुद का लिखेगा। ठीक है, जैसे मैंने यहां पे लिखा गांधी मार्ग सूरत। ठीक है, अब ये एड्रेस किसका लिखा है, मैंने खुद का लिखा। ठीक है, यानी जो लेटर लिख रहा है उसने लिखा। ठीक है, हमेशा याद रखना कि जो लेटर को लिख रहा है वही उसका एंड करेगा, लास्ट में अपना सिग्नेचर करेगा, यानी स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों लेटर लिखने वाला अपने नाम से करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे उसने एड्रेस लिखा, अब इसको लिखने का तरीका क्या रहेगा वो भी आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले अपने जो भी मकान नंबर होगा उसका नाम लिखेंगे, मतलब उसका जो भी नंबर है वो लिखेंगे, उसके बाद में जो भी कॉलोनी वगैरह है उसका नाम लिखेंगे, और इसके अंदर फर्स्ट लेटर जो होगा वो इसमें लिखेंगे, कैपिटल लिखेंगे, उसके बाद दूसरे लाइन के अंदर अपने जो है जगह का नाम, जो प्लेस है हमारा उसका नाम लिखेंगे, सूरतगढ़ लिखा तो एस हमने क्या लिखा, कैपिटल लिखा। ठीक है, और कहीं पर भी हमें कोमा फुल स्टॉप का यूज नहीं करना। ठीक है, दूसरी बात, इसके अंदर जो है यहां पे कुछ स्पेस छोड़ना है, यानी एक लाइन छोड़नी है, उसके बाद हमें यहां पे डेट लिखनी। ठीक है, जैसे मैंने लिखा 11 जून 2020। ठीक है, अब इसके बीच हमें स्पेस देना है और फिर इसका एड्रेस लिखना है जिसको हम भेज रहे हैं। ठीक है, जिसको अपने भेज रहे हैं उसका लिखेंगे, तो मैंने यहां पे लिखा 50 तिलक मार्ग जय। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारे लेटर का पहला पार्ट हमने उसको डिवाइड करें तो ये हमने पूरा किया। ठीक है, एड्रेस लिखे हमने इसमें और क्या लिखा, दिनांक लिखी यानी डेट लिखी। ठीक है, तो सबसे पहले खुद का एड्रेस, फिर दिनांक और फिर क्या लिखा हमने, जिसको हमें भेजना है उसका एड्रेस हमने लिखा। ठीक है, जो भी बातें मैंने आपको बताई कि कहीं पर भी हमें फुल स्टॉप नहीं लगाना है और पूरा इक्वल हमें इसको रखना है। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहां पर एड्रेस की बात करें तो कई बार क्वेश्चन के अंदर एड्रेस नहीं दिया होता है,
नहीं दिया होता है तो अपनी तरफ से लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर दिया हुआ एड्रेस है तो हम उसी के अकॉर्डिंग इसको लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखेंगे, इसके बाद हम यहां पर फॉर्मल लेटर के अंदर सब्जेक्ट लिखते हैं। क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट यानी कि जिसके बारे में हमें लेटर लिखना है, ये उसका सब्जेक्ट क्या है, उसका विषय क्या है, उसके बारे में हम यहाँ पे लाइन जो है लिखेंगे। और ये बात ध्यान रखना है कि उसको एकदम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, ये नहीं है कि तीन चार लाइनों में आप सब्जेक्ट लिख रहे हो, आपको सिर्फ एक या डेढ़ लाइन के अंदर इसको कंप्लीट करना है, ठीक है। जो आपको क्वेश्चन को देखोगे आप, तब आप उसमें समझ जाओगे कि हमें किसके बारे में, किस सब्जेक्ट के बारे में जो है लेटर लिखना है, तो वो आप यहाँ पे लिखोगे, ठीक है। इसके बाद में आता है सैल्यूटेशन, जिसके अंदर आप सर या मैडम लिखते, ठीक है। सर या मैडम जो भी क्वेश्चन के अंदर दिया गया है ना, उसी के अकॉर्डिंग हमें लिखना। नहीं दिया है तो आप सर या मैडम जो भी लिखते हो तो चलेगा, लेकिन अगर उसमें स्पेशली दिया हुआ है मैडम के लिए तो आपको वहां पे मैडम लिखना है, सर नहीं लिखना, ठीक है। ये मैंने इसको डिवाइड किया, पहला हिस्सा था एड्रेस, दिनांक और फिर एड्रेस, ठीक है। दूसरा मान लो मैंने किया सब्जेक्ट का, और तीसरा मैंने सैल्यूटेशन का कर दिया, ठीक है। फुल स्टॉप कोमा में नहीं लगाना है। नेक्स्ट जो है कम्युनिकेशन पार्ट बोलते हैं उसको, कम्युनिकेशन पार्ट या बॉडी पार्ट, ठीक है, जिसके अंदर हमें उस लेटर का जो सब्जेक्ट है ना उससे संबंधित चार या पांच लाइनें एक दो पैराग्राफ में डिवाइड करके इसको लिख देंगे, ठीक है। जितनी भी लिखना है हमें, जो भी मैटर लिखना है, इस सब्जेक्ट से संबंधित जो भी बातें हमें लिखनी है उसको हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद में अपने क्या कहते हैं, यहाँ पे कर्टियस रिगार्ड्स लिखते हैं, यानी कि कर्टियस एंडिंग करते हैं, उसके अंदर जो है जैसे बेस्ट विशेष वगैरह लिखना हो, थैंक यू वगैरह लिखना हो, तो वो हम यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। और इसके बाद में अपने क्या करते हैं, इसको लास्ट में क्लोजिंग, क्लोजिंग कैसे करते हैं, जैसे कुछ इस तरीके से लिखना, योर्स फेयरफुली, अपने लिखेंगे योर्स फेयरफुली, या फिर फेयरफुली की जगह ब्रिलियंटली भी लिख सकते हैं। मोस्टली जो फॉर्मल लेटर है अपने उसके अंदर इन दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं, मोस्टली अपने फैक्चुअली का यूज करते हैं। इसके बाद यहाँ पे जो भी लेटर लिखने वाला है वो अपना क्या करेगा, साइन करेगा, मतलब कि उसका नाम यहाँ पे लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये रहेगा योगस फैक्चुअली या फिर ओबीडियंटली या फिर नेक्स्ट जो है उसका सिग्नेचर इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। यानी कि हमने क्या लिखा लास्ट के अंदर, लास्ट में हमने लिखा है योर्स फेयरफुली, ठीक है, या फिर ओबीडियंटली और सिग्नेचर, ठीक है। तो हमें यहां पे इस बात का ध्यान रखना है, इसको लिखने का तरीका ये रहना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से अगर आप लिखोगे तो ये गलत हो जाएगा, आपको इस तरीके से इसमें नहीं लिखना है। इसको कैसे लिखना है, इसी तरीके से लिखना है, यही सही रहेगा। अब ये आपके सामने क्या है, फॉर्मल लेटर का स्ट्रक्चर है। अगर आपको ये सब पता है तब आप क्या करोगे, किसी भी फॉर्मल लेटर को आसानी से उसको कर लो, जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे जो कम्युनिकेशन पॉइंट है, ये आप जब क्वेश्चन देखोगे तो उसके अंदर कई बार ऐसे बिंदु दिए होते हैं, स्टेप दिए होते हैं, तो आप उसको देखकर भी कर सकते हो और सब्जेक्ट को पहचान करके आप इसमें से लाइनें लिख सकते हो, ठीक है। यानी कि दोबारा आप इसको देखेंगे, सबसे पहले मैंने किसका एड्रेस लिखा है, यहाँ पे खुद का, जो लेटर को लिख रहा है वो लिखेगा, फिर यहाँ पे मैंने डेट लिखी, फिर यहाँ पे जिसको मुझे भेजना है उसका लिखा है एड्रेस, उसके बाद में मुझे यहाँ पे सब्जेक्ट लिखना है, देखो सभी इक्वल आ रहा है, इसको आगे पीछे नहीं करना है। फिर मैंने यहाँ पे सैल्यूटेशन लिखा, उसके बाद में यहाँ पे बॉडी पार्ट आपको यहीं से शुरू करना है, कम्युनिकेशन जो भी है जो आप लिखना है वो यहाँ से स्टार्ट करेंगे आप। इसके अंदर आपको एक बात का ध्यान रखना है कि अगर आप 6-7 लाइन लिख रहे हो तो इसको कम से कम है ना दो पैराग्राफ में डिवाइड करो, ठीक है, दो पैराग्राफ में डिवाइड करके इसको लिखो। उसके बाद में यहाँ पे जो भी कर्टियस आपको देना है, जो भी आपको अभिवादन करना है उसका, यानी कि बेस्ट विशेस करना है, थैंक यू करना है, वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। बेस्ट विशेस वगैरह इसमें तो नहीं लिखा जाएगा, फॉर्मल में उसमें लिखा जाएगा, इनफॉर्मल में, तो यहाँ पे थैंक यू वगैरह आप लिख सकते हो। और यहाँ पे जो है इसको योगर्स फेयरफुली या ओबीडियंटली लिख करके इसको लिखने का तरीका आपको इस तरीके से ध्यान रखना है। और यहाँ पे जो है आपका जो है नाम जो है वो लिखना है, जो भी उसके अंदर दिया हुआ है क्वेश्चन में उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे नाम लिखना है, ठीक है।
अब क्या है, कई बार बच्चे जो भी गलतियां करते हैं, जैसे दिनांक जो है डेट लिखने में वो गलतियां कर देते हैं, ऐसे इस तरीके से गलत लिखते हैं, तो ये लिखने का तरीका गलत रहेगा, आपको इस तरीके से नहीं लिखना है, इसी तरीके से लिखना है। दूसरा, इतना कुछ लिखने के बाद में भी कई बच्चे लास्ट के अंदर यहाँ पे जो है इस तरीके से डेट लिखने लग जाते हैं, ठीक है, जो कि क्या है, गलत है। यहाँ पे आपको डेट में जो है वो नहीं लिखनी है, आपने वो जो है सब कुछ यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब क्या होता है, ये हमने फॉर्मल लेटर किया, मैंने आपको बताया कि जो एप्लीकेशन अपने लिखते हैं वो भी किस में आती है, फॉर्मल लेटर में ही आती है, ठीक है। तो उस वक्त आपको क्या करना है, आपने ये लिखा, खुद का एड्रेस लिखना है, अगर आपको क्लास कही जा रही है तो वो आप यहाँ पे लिखोगे, ठीक है, अगर नहीं कही जा रही है तो आप एग्जामिनेशन हॉल भी लिख सकते हो। उसके बाद में यहाँ पे जो है ना, इसमें आपको क्या चेंज करना है, यहाँ पे आपको प्रिंसिपल के लिए बोला है तो आप यहाँ पे द प्रिंसिपल लिख दो, हेडमास्टर के लिए बोला है तो आप हेडमास्टर लिख दो, ठीक है, जो स्कूल का नाम लिख करके वो जगह का नाम लिख दो, ठीक है। जैसे मैंने लिखा द प्रिंसिपल नवीन आदर्श विद्या मंदिर सूरत, ठीक है, तो इस तरीके से ये यहाँ पे आ जाएगा इस एड्रेस की जगह से, और सब्जेक्ट बाकी सब मैटर वही रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये फॉर्मल लेटर जो है वो याद करना है। अगर आपको ये सब सिस्टम समझ में आ जाएगा तब आपको रटने की आवश्यकता नहीं रहेगी, आपको सिर्फ उसकी कम्युनिकेशन मैटर को जो है वही ऐड करना आना चाहिए, वो आप दो चार लेटर लिखोगे तो आपको याद हो जाएगा।